वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पीएचपी का, ठीक है। तो हाँ, आप सभी जानते हैं कि ये जो पीएचपी है ये सर्वर साइड लैंग्वेज है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका पॉइंट क्या क्या कहता है कि पीएचपी क्या क्या है। पर अगर आपने एचटीएमएल के बारे में मतलब नहीं देखा है और अगर आप लोगों को देखना है, क्योंकि एचटीएमएल जो है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट है में यूज किया जाता है, ठीक है। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में एचटीएमएल यूज होता है। सो अगर आपको देखना है तो मेरे आप देख सकते हैं, हमने वीडियोज अपलोड कर दी है ऑलरेडी, आप आई बटन पर भी देख सकते हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं यहाँ पे। सो पीएचपी क्या है? पीएचपी इज यूज इन अ वेब बैक इन वेब डेवलपमेंट। पीएचपी जो है यूज होता है कहाँ पे? बैक इन वेब डेवलपमेंट। बैक इन वेब डेवलपमेंट मतलब ये कि हम जो है अगर पीएचपी में कोई कोडिंग किया रहता है तो पीएचपी कोड को हम देख नहीं सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे, ओके। फिर पीएचपी इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। पीएचपी जो है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इस मतलब कि पीएचपी कोड को रन करने के लिए हमें एक सर्वर की जरूरत होती है, ठीक है। अब आप सिंटैक्स देख लेते हैं पीएचपी का। तो पीएचपी का सिंटैक्स यही है, हमें करना क्या रहता है, सिंपली लेस देन का सिंबल रहेगा फर्स्ट, पहले लेस देन का सिंबल रहेगा, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर पीएचपी, इतना हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपने कोड को लिखेंगे, जो भी हमें लिखना होगा, वेरिएबल को असाइन करना होगा वो करेंगे, जो भी करना होगा करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको बंद क्लोज करने के लिए हमें करना क्या होता है, क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगाएंगे, फिर ग्रेटर देन का सिंबल, ओके। फिर देख लेते हैं ये क्या है, एग्जाम। ये XAMPP सर्वर जो है, एग्जाम सर्वर का यूज हम पीएचपी कोड को रन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि पीएचपी को रन करने के लिए, पीएचपी कोड को रन करने के लिए हमें सर्वर की मतलब आवश्यकता होती है, ठीक है। सो जब उसकी आवश्यकता होगी तो ऑब्वियसली हम कोई सर्वर का यूज़ तो करेंगे ही ना, तो एग्जाम सर्वर का यूज़ हम करते हैं पीएचपी कोड को रन करने के लिए। अब इसका फुल फॉर्म क्या है आप देख सकते हो यहाँ पे, एक्स मीन्स होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। इसको याद करने के लिए ज़्यादा दिक्कत मतलब ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो। एक मिनट, सिंपली हम आपको बता दे रहे हैं कैसे याद करना। देखिए, आप सभी जानते हो कि जो एक्स का सिंबल है कैसे बनता है, क्रॉस करने पर, राइट। एक्स हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे रहेगा, फिर उसके बाद हम क्रॉस कर देंगे, राइट। तो वही कह रहा है कि एक्स मीन्स होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म, ओके। एक्स मीन्स क्रॉस प्लेटफॉर्म, ये क्रॉस करके बनता है। सो आप याद कर सकते हो इसको कि एक्स मीन्स क्रॉस प्लेटफॉर्म, ओके। और ए मीन्स क्या होता है, अपाची। अपने अपाची गाड़ी तो जरूर ही चलाया होगा, तो ए से आप अपाची को याद कर लेना, ठीक है, मतलब अपाची से आप ए को याद कर लेना। फिर एम मीन्स क्या होता है, मोरिया डाटाबेस, ओके। पी मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली आप पीएचपी का मतलब पीएचपी कोड को रन करने के लिए सर्वर का यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पी मीन्स होगा क्या, पीएचपी। और फिर सेकंड पी मतलब क्या होगा, पर्ल, ओके। सो अब हम देख लेते हैं कि हम पीएचपी कोड को कैसे रन करेंगे एग्जाम सर्वर पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम उस सर्वर को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जब भी आप लोगों को रन करना हो तो सबसे पहले आप, हमने डाउनलोड कर लिया है, और अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है, ठीक है, इसको एग्जाम सर्वर को, तो आप मेरे वीडियोज़ में देख सकते हैं। इसको भी मैं मतलब इस वीडियो का लिंक मैं आई बटन पर दे दूँगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि कैसे इसको हम डाउनलोड करते हैं। सो इसको डाउनलोड करने आपने कर लिया, फिर उसके बाद अगर आप जब भी कोड लिखें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपाची लिखा है, इसको स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद माई एसक्यूएल, ये भी एक डाटाबेस के लिए यूज होता है, सो इसको भी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब ये स्टार्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है कि कोड को लिखना है। तो चलिए हम लोग सिंपली नोट पैड पर कोड लिखते हैं, ओके। अब हम नोट पैड पर जब कोड लिखेंगे, आप सब तो जानते होंगे कि सिंटैक्स क्या है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं कोड लिखने, ओके। सो हम जब भी कोड लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमने ये पेस्ट कर दिया जो कि हमने आपको दिखाया था, फिर उसके बाद यहाँ पे हम कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हो कि वेरिएबल को असाइन करने के लिए हम डॉलर सिंबल का यूज़ करते हैं, तो ए इक्वल टू हमने लिख दिया 10। हम सिंपली क्या करेंगे, ऐड करेंगे दो नंबर को। और सी लैंग्वेज में आप जानते हो कि सेमी कॉलन का यूज़ हम एंड में करते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी वेरिएबल को असाइन करेंगे तो हम बाद में क्या है, सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं, तो ऐसे भी इसमें भी वही होता है। फिर डॉलर का यूज़ करेंगे, फिर बी इक्वल टू हम लिख देते हैं 20, ओके। फिर उसके बाद सेमी कॉलन का यूज़ किया हमने, फिर उसके बाद हम सिंपली ऐड करेंगे, ये जो दो नंबर हैं उनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ईचो का यूज़ यहाँ पे प्रिंट, जैसे हम प्रिंट करने के लिए पाइथन में प्रिंट का यूज करते हैं, सो वैसे ही और सी लैंग्वेज में हम प्रिंट करने के लिए प्रिंट ऑफ का यूज करते हैं, वैसे ही हम पीएचपी में प्रिंट करने के लिए ईचो का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, डॉलर ए प्लस डॉलर डॉलर बी, फिर उसके बाद यहाँ पे वन सेकेंड डॉलर ए डॉलर बी कर देंगे प्लस में, और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देंगे हम, ओके। अब हम सेमी कॉलन लगाने के बाद इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, सेव पे लेकर गए, क्लिक किया, सेव कर दें, फिर यहाँ पे विंडोज सी में हमने डाउनलोड किया है, ठीक है। एग्जाम सर्वर है यहाँ पे, एग्जाम पे क्लिक किया हमने, इस पर क्लिक करने के बाद एस टी डॉक यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इस पर क्लिक करेंगे, ओके। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट या फाइल का नेम बस लिख देना है, तो हम कुछ भी लिख देते हैं लाइक to.php। बट अगर आप ऐसे अगर इसको सेव करोगे, ठीक है, to.php करके, तो ये इरर शो करेगा, क्यों, क्योंकि ये एक टेक्स्ट को एज्यूम करेगा। बट आपको डबल क्वोट और सिंगल क्वोट में अगर करेंगे तो ये इरर नहीं शो करेगा। तो आप जब भी सेव करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो भी आप सेव कर रहे हैं नाम को, ठीक है, वो डबल क्वोट के अंदर ही सेव करना है, ठीक है। फिर हमने क्या कर देना है, सेव कर देना है ऐसे, फिर आपको कुछ नहीं करना है, बस रन यहाँ पे, रन पे लिखना है और रन ऐप आ जाएगा। फिर यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, अपनी फाइल का नेम जो आपने वहाँ पे लिखा है उसको
सिंपली डाल देना है, ठीक है। जैसे कि हमें यहाँ पे डाल देते हैं पी ओ डॉट पी एच पी। अब यहाँ से देखिए, इसको आपको यहाँ पे लिख देना है एस टी एल डबल टी पी एस टी पी, फिर सेमी कॉलन डबल स्लैश, फिर लोकल होस्ट, फिर स्लैश, फिर टू डॉट पी एच पी, क्योंकि हमने टू नाम से सेव किया है, ठीक है। तो टू डॉट पी एच पी करके ओके क्लिक कर देंगे, ठीक है। ओके पे क्लिक करने के बाद अब देख सकते हैं यहाँ पे 30 आ गया प्रिंट करके, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं अच्छे से। देखिए 10 और 20 को सिंपली हमें प्लस करना था, हमें यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या है कि वन सेकेंड एक मिनट, तो देखो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए, जो कि आपने देखा कि दिखाया है यहाँ पे। फिर से हम आपको दिखा दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे 30 आया। अब अगर हम यहाँ पे कुछ और लिखें, लाइक यहाँ पे लिखते हैं ईचो करके, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं वेलकम टू, सॉरी वेलकम टू माई यूट्यूब यूट्यूब चैनल, ओके वन सेकेंड चैनल, ठीक है। एंड प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड लाइक, ओके प्लीज लाइक सब्सक्राइब बी एस, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो, ओके। जब हमने इसको लिख दिया, फिर उसके बाद में सेमी कॉलन लगा देना है। अब सिंपली जानते हैं सेमी कॉलन वन सेकंड, ओके। अब हमें क्या करना है, इसको सेव करना है। सिंपली अब क्या करोगे, आप सेव कर देना है, फिर उसके बाद रन पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद रन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है, ओके ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ये आ गया है। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।